हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग अंजू। और मैं हूँ अंजू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो रेसिपी शेयर किया हुआ है, पहले आप लोग वो देख लीजिए। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने सोयाबीन भिगोकर अच्छे से धुलकर उसका पानी निचोड़ लिया है। आलू, प्याज, टमाटो रखा, ये है मिर्ची, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा नारियल। ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला है और जीरा, प्याज, कलर मिर्ची है 1 से 1.5। तो हमें इसका पेस्ट बनाना है और मैं इसमें से थोड़ा सा और निकाल रही हूँ। ऐसे ही इस तरह से कूट करके डालूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है उससे। तो देखिए, बस अभी हमें इस मसाले का भी पेस्ट बना लेना है। तो सब मैंने डाल दिया है वाटी में और इसको अच्छे से कूट लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे सा पेस्ट बन गया है, जैसे कि हमें डालना है उस तरह से। और यहाँ पर हमने मसाला भी पीस लिया है। तो चलिए अब हम फटाफट से रेसिपी बनाना तैयार करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। तैयारियाँ तो हमने सभी कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर दिया है और रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई जैसे ही गर्म हो गया, इसमें डाल दिए सरसों का तेल। और हमारे घर में सरसों का तेल बनता है, तो मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ हमेशा, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो गया, हम इसमें सोयाबीन डाल दिए हैं और सोयाबीन करीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और देखिए सोयाबीन एकदम अच्छे से सिक गई है, यानी कि जैसे हमें चाहिए। बहुत हमने इसको क्रिस्पी नहीं किया है बहुत ज़्यादा। तो बस अब फटाफट से हम इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से। और इसी तेल में हम जो आलू डाल रहे हैं, आलू को भी अच्छे से, ये देखिए अच्छे से भूनकर निकाल लेंगे। और आलू भी हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता और आधा चम्मच जीरा। और इसके बाद हमने यहाँ पर प्याज कटा हुआ डाल दिए हैं और प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने देंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन। तो इसके बाद हम इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची का जो पेस्ट बनाए थे वो भी इसमें डाल देंगे और डालकर अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और इसके बाद जो हमने इस मसाले का पेस्ट बनाया हुआ था, जो आपको मसाले दिखाए थे, उसको भी इस तरह से डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा और पानी हम इस तरह से मिक्स करके डाल देंगे, जो भी मसाला एक्स्ट्रा मसाला लगा रहता है वो सब निकल जाए। तो यहाँ पर हमने डाल दिया हुआ है लाल मिर्ची और ये स्पाइसी है, तीखी वाली है। और बस इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे पकने के लिए। और हम इसको मीडियम से भी कम रखेंगे गैस को। तो देखिए मसाला यहाँ पर अच्छे से पक गया है और तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो की प्यूरी। हमने 2 टमाटो दिखाया था, 2 टमाटो का प्यूरी बनाया है। आप टमाटो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एवरेस्ट मसाला और एवरेस्ट मसाला से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस अब हम ढक देंगे वापस अच्छे से पकने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसमें। तो मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये सोयाबीन और आलू। हमने इसमें टमाटो प्यूरी डालने के बाद करीबन 2 से 3 मिनट ढका था, उतने में अच्छे से पक गया था। तो देखिए जब तक पक रहे हैं सब, हम यहाँ पर पूड़ियाँ भी बना लेते हैं फटाफट से। और ये सोयाबीन की रेसिपी के साथ में ये जो भाजी है, इसके साथ में पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं इसीलिए फटाफट से पूरियाँ भी बना लेती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला अब्सॉर्ब कर लिए हैं सोयाबीन और आलू। तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और अगर कसूरी मेथी नहीं है तो भी चलेगा, क्या कसूरी मेथी है तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। तो देखिए भाजी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। और धनिया नहीं है, इसके लिए मैं धनिया नहीं ऐड की हूँ। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सी भाजी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं फटाफट से कर लूँगी प्लेटिंग अभिषेक भाई के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने प्लेटिंग कर लिया हुआ है और ये थाली है अभिषेक भाई के लिए। तो भाई आइए और खा लीजिए, ये आपके ही फरमाइश पे बना हुआ है। सोयाबीन की भाजी, पूरी, चावल और प्याज है। तो प्लीज़ भाई आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैं आपको फिर बाद में और जितनी रेसिपियाँ हैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, आज मैंने जो रेसिपी शेयर किया हुआ है वो अभिषेक सिंह करके हैं, उनका आईडी है जिससे कि अभिषेक सिंह सिंह डबल है सिंह सिंह करके।
तो उन्होंने बोला था सोयाबीन की रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैंने मतलब यही भाजी ही शेयर किया हुआ है। और वैसे तो सोयाबीन की बहुत सारी रेसिपी बनती हैं अलग अलग तरह से, पर अभी इस टाइम में इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत से सामान नहीं मिल रहे हैं और मेरे इधर मार्केट पूरा लॉक है और सब बंद है। और जैसे कि मिल भी सकता है तो जाने में डर है, जिधर हमारे इधर मार्केट है वहाँ पर कई केस निकले हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इसके वजह से जाने से काफ़ी डर लगता है। तो मैं नहीं जाने दे रही हूँ और ना खुद ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाने से खतरे से खाली नहीं है, तो बहुत ही डर है, इसकी वजह से मैं जाने नहीं देती हूँ। और अभिषेक भाई, मैं आपको बोलूँ तो मैंने ये भाजी रेसिपी शेयर कर दी है और मैं आपके साथ सोयाबीन की जितनी भी रेसिपी मेरे से हो सकेगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। और जो है मैंने बनाया हुआ है बहुत ही सिंपल तरह से बनाया है, बहुत ही टेस्टी भाजी बनाया है, और अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई ज़रूर करवाइएगा अपने घर में, माँ या फिर सिस्टर होंगी जिससे भी, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जितनी भी रेसिपियाँ हैं मैं धीरे धीरे करके ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पॉसिबल नहीं है तो मैं इसके शेयर नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो आज खासकर ये मैं जो भी रेसिपी बनाई हूँ अभिषेक भाई के लिए बनाई हूँ। मैं कई बार बोली हूँ अपने वीडियो में कि जिसको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर जो रेसिपी चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो उसमें से फर्स्ट आप हैं, तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आप लोग को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और मतलब आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी पूरा करने के लिए। तो बस फ्रेंड्स, मुझे इतना ही बोलना था। और आप लोग का कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।